माँ मैं जा रहा हूँ। जा बेटा जा, देश का नाम रोशन कर। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। घर से कोई पार्सल आया है। किसकी चिट्ठी है भाई? चिट्ठी तो माँ की है। बुरा ना मानो तो हमें भी पढ़ के सुना। ठीक है, लिखती है मेरे प्यारे लड्डू। लड्डू लड्डू माँ भी ना हमारे बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे। वाह वाह, अकेले मत करना, उनको भी देना। और बस यार आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। तुम लोग मिठाई खाओ ना। अरे आओ आओ, मिठाई खाओ। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। ले लड्डू खा। लड्डू? तुझे क्या लगा सारे लड्डू खत्म हो गए? तूने खा लड्डू? छक्के खाए यार।
अभिषेक भाईजान, अगर तुम शहीद हो गए तो मुझे तुम्हारी मिठाई बहुत याद आएगी। दोस्ती बहुत निभा ली यार। अब फर्ज निभाने की बारी है। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा। जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। वो जगह जहाँ पे मेरा बेटा शहीद हुआ। फरीदा, आशा, मैडम आप वहाँ नहीं जा सकते, हमारी सरहद यहीं तक है। बेटा, माँ के लिए कोई सरहद नहीं होती, वैसे ही जैसे धरती के लिए कोई देश नहीं होता। आओ बहन। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर इस तरह नहीं। अभिषेक ये चाहता था कि इसकी सबसे प्यारी चीज उसके सबसे अच्छे दोस्त को मिले। हमारे बच्चों की ये दोस्ती इन सरहदों से परे है, ये काबिले तारीफ है। उसका भी यही वादा था। ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। ऊपर नीला आसमान है, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले हैं और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंतर है नामों में, हम क्यों बटे हैं मुल्कों में, जय देश कहे या जय जगत। जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। संदेश आते हैं हमें दर्पण।